साहस सरोकार। दो महीने में छठी बार कर्नाटक दौरे पर मोदी, मांझिया में बोले पीएम, कांग्रेस मेरी कब्र खोदने में व्यस्त, मैं एक्सप्रेसवे बनाने में मस्त। अमेठी में सपा विधायक के घर पहुंची केंद्रीय मंत्री, अमेठी सांसद स्मृति ईरानी, मुलाकात के बाद सपा विधायक ने दी प्रतिक्रिया। 11 फरवरी को बनी थी उमेश के मर्डर की प्लानिंग, बरेली सेंट्रल जेल में माफिया के भाई अशरफ ने 2 घंटे मिले थे गुर्गे। गाजियाबाद में नहर किनारे इनकम टैक्स असिस्टेंट और उनकी पत्नी का शव मिला, शेयर मार्केट में पैसा डूबने से परेशान था टैक्स असिस्टेंट। यूपी में 8 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर, पीयूष मोडिया बने लखनऊ जोन के डीजी, प्रवीण कुमार अयोध्या रेंज के आईजी बने। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। तो चलिए अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर, जहां प्रदेश में इस वक्त आलू बड़ा चर्चा में चल रहा है। वजह है आलू किसानों की समस्या। समस्या ये है कि किसानों को उनकी लागत नहीं मिल पा रही है, ऐसा किसानों का कहना है। अब इसको लेकर विपक्ष भी खूब सियासत कर रही है। अखिलेश ने फिर से ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट में लिखा है कि भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों की समस्याएं, आलू की लागत का लगातार बढ़ता जाना, कम दाम मिलने से लागत निकालना भी मुश्किल है, अब की बार आलू बदलेगा सरकार। तो आप अखिलेश यादव का ट्वीट भी देख सकते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने आलू के उत्पादन पर एक बड़ा हमला करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ ट्वीट किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के पीपली गांव में गोमती नदी पर पीपे के पुल का उद्घाटन किया है, जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर करारा हमला किया। स्मृति ने कहा कि राहुल गांधी जिस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं, इससे लगता है कि उन्हें एहसास हो गया है कि वो 2024 का चुनाव भी हार जाएंगे। स्मृति राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहती हैं कि जिसे अमेठी की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से धूल चटाई, उन्हें आंसू आना स्वाभाविक बात है, वो सही नहीं। इस दौरान स्मृति ईरानी यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि आज राष्ट्र के लिए गर्व की बात है कि हमारा भारत देश विश्व की सबसे बड़ी यानी कि 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश मंत्री संजय राय ने भी कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के लोग जिस पुल की मांग कर रहे हैं, वो कांग्रेस से 50 साल से इस पुल की मांग कर रहे थे, वह कांग्रेस 50 साल शासन करने के बावजूद भी पुल नहीं बना पाई। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ राज किया, वर्षों से इस पुल की मांग को कांग्रेस ने अनदेखा किया है। जिसको कांग्रेस 50 साल से अधिक शासन करके नहीं बना पाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते और यहां के सांसद आदरणीय दीदी जी के होने के नाते यह पुल बन पाया है। और इसके भी इस जनपद की ओर से एक एक जनता, यहाँ की एक एक लोग, माताएं बहने, सभी नौजवान भाई, आदरणीय दीदी जी को और यहाँ के विधायक जी को मैं कहूंगी जिसको लोकतांत्रिक तरीके से अमेठी की जनता ने भूल चटाई, आज उसके आंसू बहना ये स्वाभाविक है। मैं इतना ही कहूँगी, हमारे राष्ट्र का ये गौरव है कि हम आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। इस विषय को सम्मान देने की बजाय जिस प्रकार की टिप्पणियां श्री गांधी ने की हैं। अमेठी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी ने सपा विधायक राकेश सिंह के आवास पर पहुंचकर नव दंपत्ति को शुभकामनाएं दी। वही सपा विधायक ने कहा कि हमारे घर में शादी थी और स्मृति ईरानी ने नई बहू को आशीर्वाद दिया। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के विधायक अब 2 हैं और सांसद 1 है, ऐसे में उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से अमेठी में लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी खड़ा करने की भी मांग की है। वही सपा विधायक ने इस बयान से राजनीति में हलचल बढ़ा दी है।
आप लोगों को भी याद होगा कि यहीं प्रभारी मंत्री आदरणीय स्वर्गीय ये पांडे जी थे, राजा राम पांडे जी, कमाल अख्तर जी यहीं कांग्रेस के विधायक थे, डॉक्टर मुफलिम थे, राधेश्याम धोबी जी थे, फवा के वो बैठकों में आके बैठते थे, चाहे वो लैपटॉप वितरण का सरकारी कार्यक्रम रहा हो, चाहे समीक्षा बैठक रही हो। तो सरकारी कार्यक्रमों में जाना आना एक लोकतंत्र की खूबसूरती भी है और लोकतंत्र की व्यवस्था भी है। भैया अभी हाल ही में जो है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने कहा कि जो है ये अब यहाँ पर बड़े दिल वाले को चुनेगी जो है अमेठी, तो इस पर आप क्या कहेंगे, एक अलग संकेत दिया उन्होंने। देखिए मेरी मांग तो मैं जब से जनप्रतिनिधि के रूप में इस क्षेत्र की जनता हमें निर्वाचित कर रही है तब से मैं ये मांग कर रहा हूँ कि यहाँ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होना चाहिए, बाकी पार्लियामेंट्री वोट। खबर प्रयागराज से है जहां हंडिया में भाजपा नेता अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र मंत्री के निवास पर अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान चेयरमैन अल्पसंख्यक आयोग ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को नगर पंचायत चुनाव में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। इस सरकार में मुसलमान को रहने के लिए छत सिर्फ बीजेपी ने ही दी है। आगे उन्होंने कहा कि अपराधियों का कोई जाति और धर्म नहीं होता है। साथ ही इस दौरान वो लोगों से अपील करते हुए नजर आए कि नगर पंचायत चुनाव में प्रत्याशी कोई भी हो, वोट सिर्फ बीजेपी को ही देना है। तब से लेकर अब तक जनता के प्यार और आशीर्वाद से दोबारा फिर हमारी सरकार बनी है और केंद्र के अंदर माननीय मोदी जी और प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ और सबके प्रयास के साथ ये सरकारें लगातार जनहित में काम कर रही हैं। आपने देखा होगा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के हालात क्या थे। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे, माफिया, अपराधी यहाँ पर रहते थे और 2017 में जब सरकार बनी तो गुंडे माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ गए या फिर जेल के अंदर है। ये हमारी सरकार का इकबाल है, ये पहली सरकार है जो ईमान और इंसाफ और इकबाल की सरकार है। संबल के जूनावई थाना क्षेत्र में 8 साल के मासूम के साथ घर में घुसकर दो नाबालिगों ने सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भी भेज दिया है। पुलिस को सूचना मिली कि एक नाबालिग बच्चे के साथ बलात्कार की घटना कार की गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित का मेडिकल कराया तथा तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें दो बाल आपचारी जो कि स्वयं भी नाबालिग हैं, उनका चलान माननीय किशोर न्यायालय बोर्ड किया जा रहा है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। आज राजधानी लखनऊ के बड़े इमामबाड़ा यानी कि आसिफ इमामबाड़ा में महाशिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजनीति और शिया समुदाय में हिस्सेदारी और उनसे जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर महासम्मेलन का आयोजन किया गया। शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद के अध्यक्षता में सम्मेलन का आयोजन कराया गया। वहीं देश भर से आए शिया धर्म गुरुओं और समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजन की शुरुआत कलाम में पाक से की गई है, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे मुश्किलों को हल नहीं कर सकता। इससे पहले जो है वह हम हर हुकूमत में हमारे साथ ज़्यादती की गई, हर हुकूमत में हमारे हकूक जो है और हमारे अधिकार जो उनको कुचला गया। हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद अगर किसी से है, इसीलिए हमने जैसा कि उम्मीद सबसे ज़्यादा अगर किसी से है तो इसी पार्टी से जिसकी इस वक्त हुकूमत है, चाहे वो यूपी में हो चाहे वो सेंटर में हो, कि ये हमें हमारा अधिकार हमें दे जो किसी भी हुकूमत ने हमें अधिकार नहीं दिया है। इसी तरह से पसमांदा के नाम से जो चीज़ भी आ रही है वह शियों तक भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि सबसे पसमांदा शिया हैं, सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए शिया हैं, उन तक पहुंचना चाहिए, स्पेशल पैकेजेस क्या होना चाहिए। खबर रायबरेली से है जहां लालगंज कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों हुई 17 वर्षीय युवती की आत्महत्या करने के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। पीड़ित परिजनों ने शिकायती पत्र देते हुए बताया कि गांव के ही एक युवक ने उनके पुत्री को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। उन्होंने आगे बताया कि आत्महत्या करने से पहले मृतका से युवक ने बातचीत भी की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। आत्महत्या करने के लिए उसे उत्साहित किया। इस दौरान बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग के साक्ष्य मोबाइल में भी अब मौजूद है, जिसकी जांच पड़ताल लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है।
शाम को 4 बजे। कितनी तारीख को? 10 तारीख को। किस लिए? शिवम नाम का लड़का टॉर्चर करता था। अच्छा। रात के दिन खोआ, मतलब ज़मीन और पैसे का लालच देकर पहला फुसला कर, मेरी बहन नमाली थी, पहला फुसला कर उसको फंसा लिया प्रेम जाल में। उसके बाद आई दिन फ़ोन में टॉर्चर करता था। अच्छा, तो उसमें फ़ोन में रिकॉर्ड है कुछ? हाँ, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड है। अच्छा, तो आपकी बहन नाबालिग है क्या है? नाबालिग। कितने साल की आपकी बहन? 17 साल की। ठीक, फांसी लगा लिया। कब की घटना है ये? 10 तारीख को। क्या था पूरा मामला बताएं? शिवम लाल का लड़का जो तो जमीन का लालच देकर और पैसे का लालच देकर टॉर्चर कर रहा था मोबाइल में रात दिन, इसीलिए उसने उस दिन बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, तभी फांसी लगाया 10 तारीख को। अच्छा, इसमें वीडियो में रिकॉर्ड है, ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्ड है मोबाइल में। तो आपने पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना वही खाली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दी गई वही है हमारे पास। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान फायरिंग में 2 पशु तस्कर भी घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायल बदमाशों समेत 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने पिकअप में लदे 8 गोवंश भी बरामद किए, जबकि बदमाशों के पास से 4 तमंचे, कई कारतूस और एक बाइक तक बरामद की गई है। पुलिस ने गिरफ्तार पशु तस्करों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। हुए थे अभी करीब 1 हफ्ते पहले, नक्सर में भी इनके द्वारा दुशास किया गया था, वहाँ पे भी पकड़े गए थे और उसमें मुकदमा भी लिखा गया था। आज भी उसी परिप्रेक्ष्य में पूरे जनपद में चेकिंग चल रही थी, इंस्पेक्टर दुल्लापुर भी अपने क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे, तभी ये पिकअप और मोटरसाइकिल संदिग्ध इन्हें नज़र आई। जब इसका पीछा किया तो इनके द्वारा बैरियर तोड़ के भागने का प्रयास किया गया और पुलिस के ऊपर प्राणघात हमला किया, जिसमें पुलिस ने भी आत्मरक्षा में अपना गोलियां चलाई इनके चलते हुए वाहनों पर, जिसमें जो मोटरसाइकिल पर रैकी कर। हरदोई के रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात उपनिरीक्षक ने पुलिस कार्यालय में हंगामा किया, साथ ही सीओ और एसपी पर शोषण करने का भी आरोप लगाया। बता दें कि होली मिलन समारोह में गाना गाने को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसमें अभद्रता और अनुशासनहीनता के चलते निलंबन की कार्रवाई की गई, जिसको लेकर कार्रवाई होने से उपनिरीक्षक आक्रोशित हैं और मामले की उन्होंने उच्च अधिकारियों से जांच पड़ताल करने की गुहार लगाई है। साथ ही शिकायत करने की भी बात अब वो लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं। हरदोई में तैनात हूँ, हम लोग सकुशल हरपालपुर से होलिका दहन का संपन्न करा करके पुलिस लाइन में आए। अगले दिन हमारा रंग खेलने के बाद हम लोग का 9 तारीख को होली मिलन समारोह था। ये दुखद है कि हम लोग के कर्मचारी पिछड़ों को शामिल नहीं किया गया। गमले हम लगा रहे हैं, गेटअप हम तैयार कर रहे हैं, टेंट हम लगा रहे हैं, डेकोरेशन हम दे रहे हैं और 100 विभाग के अधिकारी बैठ कर के हमको गाने का मौका या सुनने का मौका तो दिया। खैर, कुछ मेहमान भी आए थे मेरे, उनको बेइज्जती करके निकाल दिया गया। कौन आया था? बलतेज सिंह एजा फार्म से, जो पटियाली फिल्म बनाते हैं, एंड बंदरा बहन जी जो आकाशवाणी में भजन गाती वो भी आई थी, मैम चेष्टा चेष्टा शुक्ला जी जो सभा से तैयारी कर रही वो भी आई थी, उनके साथ फैमिली मेंबर। रायबरेली के डी थाना क्षेत्र में खेत में 16 वर्षीय किशोर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वह मृतक लड़के के चेहरे पर चोट के भी निशान मौजूद थे, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और जांच पड़ताल में जुट गई है। वह मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है और लगातार पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर मौत की वजह क्या है। आज सुबह 7 बजे थाना क्षेत्र डी के अंतर्गत प्रसिद्ध चौकी के अंतर्गत बरामा ग्राम सभा में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक 16 वर्षीय बालक का शव उसके घर से कुछ दूरी पे एक खेत में बरामद हुआ। मौके पर पहुँच करके जांच पड़ताल की गई, सूचना तथा जानकारी की गई, तो जानकारी में आया कि ये लड़का जिसका नाम प्रेम है ये कल शाम 7 बजे से लापता था। इसके परिवार वालों तथा पुलिस की मदद से कल रात 2 बजे तक इसको ढूंढा गया, नहीं मिलने पर वापस सुबह इसकी खोजबीन शुरू हुई तो जानकारी में आया कि ये लड़के की बॉडी डेड बॉडी उसके घर के कुछ दूरी पे प्राप्त हुई है। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुला करके जांच पड़ताल की जा रही है और लड़के का शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है।
वो लड़का खेत गया था, खेत कोई आवत रहा रास्ते में, एक जो उनके आखिरी फोन जो ना है तो उन्हें 7 बजे के घर आ घर से हमारे लड़की थे उन्हें बताया कि ही नहरवा के वो महुआ करा तो ज़्यादा ज़्यादा 200 मीटर घरे गए तो फिर फोन नहीं किए। उसके बाद 15 मिनट बाद फोन किए तो फोन होकर बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया। फिर किसी को सूचना दिया चौकी थाना? हाँ, चौकी को सूचना दिया, चौकी के दरोगा जी पूरी फोर्स गई थी, 1 बजे रात तक हम लोग ढूंढे हैं, कहीं पता ही नहीं लगा। खबर गाजियाबाद से है जहां थाना टोनिका क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश बुरी तरीके से घायल हो गया। वही एसीपी लोनी ने बताया कि बदमाश पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, जबकि बदमाश ने दबिश के दौरान पकड़े जाने पर पुलिस की पिस्टल छीन कर भागने का भी प्रयास किया। इस दौरान बीच बचाव में उसके पैर में गोली लग गई। वही बदमाश के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। था कल थाना टोनिका सिटी की टीम के द्वारा उसे बंदवारी गुरुग्राम हरियाणा से गिरफ्तार किया गया था। यह दीपक अग्रौला गैंग का दुर्दांत और सातिर किस्म का सदस्य है। जब इससे पूछताछ की गई और इसके मोबाइल आदि से जानकारी जब इकट्ठा किया गया तो पता चला कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पचारा खादान में एक डकैती पड़ी थी जिसमें यह लीड कर रहा था। मैं पिस्टल के साथ पुलिस टीम ने जब पिस्टल बरामदगी के लिए इससे बात किया और आज सुबह बताए हुए स्थान पे इसके साथ आई तो इसने अपने सातिराना हरकत के द्वारा। गाजीपुर में पुलिस ने ओला उबर चालक से लूट कर हत्या करने वाले हत्यारों को अब गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 8 मार्च को थाना गाजीपुर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसकी जांच की गई। इस दौरान गुमशुदा के मोबाइल की जांच कर संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म आखिरकार कबूल लिया। वही हत्यारों के पास से नकदी और चालक का मोबाइल फोन, साथ ही लूट और वैगनर कार भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भी भेज दिया है। जो शिवशंकर गुप्ता है उनके जो मोबाइल रिकॉर्ड्स हैं उनको खंगाला जाता है, सीसीटीवी वगैरह उसका एनालिसिस किया जाता है और इससे पता चला है कि ये शिवशंकर गुप्ता ये ओला कैब ड्राइवर थे ये, और ये अपनी कैब लेकर के गए थे। जिस नंबर से कैब बुक हुई थी वो नंबर हम लोगों ने ट्रेस किया, वो नंबर मोनू चौहान करके एक व्यक्ति का ये नंबर उसका आता है। जब मोनू चौहान को जब इसको हिरासत में लिया जाता है, इससे पूछताछ की जाती है, फिर ये कन्फेस करता है कि इसने 7 तारीख की रात को ये शिवशंकर गुप्ता है इनकी हत्या कर दिया है और इसका साथी सूरज राजपूत। गाजियाबाद में 4 साल के बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि हैरानी की बात यह है कि इस बच्चे के पिता की कुछ दिन पहले ही मौत हो गई थी। बता दें कि स्थानीय एक युवक ने बच्ची को गोद लिया हुआ था और उन्होंने इस बच्ची का नामकरण भी किया था, जिसके बाद बच्ची एक दिन पहले लापता हो गई। फिलहाल पुलिस ने बच्ची का शव कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। वो हमको कुछ जानते थे तो ऐसी रिलेशनशिप में, वो भी गरीब थे, ये हम भी लोग मिडिल क्लास हैं, ऐसे नहीं है तो हमने अंतिम संस्कार वगैरह कराए तो लड़की हमने ही रख ली थी। फिर इसके बाद भाई के पास रह गई थी, बड़े वाले के पास, इन्होंने कहा अपने पास मैं रख लेता हूँ। क्या उम्र है बच्ची की? लड़की की 4-4.5। नाम क्या था? नाम शिवानी राम। नाम प्रॉपर पता भी नहीं था लड़की का, और अपनी तरफ से रख दिया शिवानी। शिवानी कंटिन्यू कर दिया। कल 3 बजे एक लड़का था इसके साथ छोटा ही, भाई का बड़ा सगाई, उसकी छोटी लड़की, उसकी उम्र होगी 6-7 साल करीब, और लड़की की 6 साल करीब होगी उसकी। तो ये तीनों जा रहे थे, डेली का रास्ता था, कोई आज परमानेंट नहीं जा रहे थे, इनकी दुकान है झुग्गियों में से रास्ता निकलना घर को जा रहे थे। तो 2 तो पहुँच गए, 1 नहीं पहुँची। कुछ टाइम हमने देखा वहीं पर झुग्गी 11 में कि उसके पापा के रिश्तेदार भी मतलब कोई जान पहचान झुग्गी वाले थे डिफेंस कॉलोनी में। तो ये बच्ची कब से गायब थी? कल दोपहर 3 बजे से। आपने शिकायत दी थी पुलिस में कहीं? तो बच्ची की उम्र क्या है? 4 साल। तो अभी किस स्थिति में बच्ची मिली थी? हाँ, पुलिस वालों ने फोन किया था तो फिर जब हम सब आए। तो आपने कहाँ शिकायत दर्ज कराई थी इसकी बच्ची गुम होने की? पुलिस निगरानी चौकी में। तो कुछ जानकारी हुई मतलब वहाँ से कौन किसके साथ गई थी, कैसे गई थी? ऐसा था, ये हमारी मोबाइल की शॉप है, एक लगभग 4 वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ है। बच्ची की पहचान उसके परिवारजनों द्वारा कर ली गई है,
शव को पोस्टमार्टम के लिए मौलचड़ी भेजा गया है और मौके पे एफएसएल और डॉग स्क्वाड को बुला के कार्रवाई कराई जा रही है। घटना के निवारण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हरदोई के शाहबाद इलाके में दबंगों की दबंगई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दबंग एक युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटते हुए भी नजर आ रहे हैं कुछ लोग, जबकि युवक हाथ जोड़ता हुआ भी दिखाई दिया, लेकिन दबंग उस पर थप्पड़ों की बारिश करते रहे। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच बाइक तेज चलाने को लेकर विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि युवक हाथ जोड़ता रहा और दबंग युवक उस पर लगातार थप्पड़ों की बरसात करते रहे। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है, जबकि एएसपी ने बताया कि मामले में तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की जांच कर विधिक कार्रवाई भी आगे की जाएगी। खबर मैनपुरी से है, जहां थाना कुरावली क्षेत्र में बदमाशों ने स्वाट टीम और पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान फायरिंग में गोली लगने से एक बदमाश घायल भी हो गया है, जबकि 4 अन्य को पकड़ लिया गया है। वह 2 बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। पकड़े गए बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और कुछ गहने भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश भी लगातार करती हुई नजर आई। ये जो औछा इंस्पेक्टर हैं धर्मेंद्र, ये लोग चेकिंग कर रहे थे घिरोर बाईपास पे कुरावली में, तो 3 मोटरसाइकिलों से 7 बदमाश आते हुए दिखाई दिए। तो इन लोगों ने रोकने का प्रयास किया तो रुके नहीं, बल्कि बैक हो करके भागने लगे। तो हमारी पुलिस पार्टी ने इनको घेराबंदी का प्रयास किया, पीछा किया, तो ये लोग फायरिंग करने लगे। पुलिस ने इनको पकड़ने के लिए आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें से एक बदमाश जो मोहम्मद हाशिम नाम का है। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी के क्षेत्र रसलगंज स्थित जिला अस्पताल मलखान सिंह इस समय नशेड़ी और जेब कतरों का अड्डा बन गया है। ताजा मामले में शराबियों के 2 गुटों में किसी बात को लेकर जिला अस्पताल की इमरजेंसी के पास ही जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो एक मरीज के तीमारदार ने बना लिया और सोशल मीडिया पर उसको वायरल भी कर दिया। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि अस्पताल प्रशासन ऐसे ही घटनाओं को देखता रहेगा या फिर इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कोई एक्शन भी लिया जाएगा। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश और देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।